हाय, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं हूँ सीएमए रोहन शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटोर। मैंने मोर देन 1000+ सीएमए जॉब सीकर्स को उनके फर्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है और 30+ स्टूडेंट लास्ट कैंपस प्लेसमेंट में और 50+ स्टूडेंट दिस कैंपस प्लेसमेंट में अपने फर्स्ट ऑफर सिक्योर किए हैं और मोर देन 100+ स्टूडेंट विद इन लास्ट 2 अटेम्प्ट जॉब सिक्योर किए हैं मेरे मेंटरशिप में। और सारे स्टूडेंट्स ने भी जिनको जॉब ऑफर मिला है, किसी का भी पैकेज 6 लाख से कम नहीं था। ऑफ कैंपस के बारे में बात कर रहा हूँ, कैंपस में हाईएस्ट पैकेज 22 लाख रुपीस था लास्ट टू लास्ट कैंपस में मेरे एक स्टूडेंट को मिला था, और करंट कैंपस में 19 लाख था मेरे स्टूडेंट को मिला था। अगर मीट वाला की बात करूँ, उसमें भी NBCC का सबसे हाईएस्ट ऑफर था और वो भी मेरे स्टूडेंट का था। तो तीनों कैंपस में हाईएस्ट पैकेज सिक्योर करने वाले मेरे स्टूडेंट थे। इससे ये प्रूव होता है कि लाइक जो मेरे कंटेंट की क्वालिटी है वो बहुत यूनिक है, इसलिए मेरे स्टूडेंट्स टॉप ऑफर सिक्योर कर पा रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैक्सिमम सिलेक्शंस मैंने दिए हैं सीएमए कैंपस में। जस्ट लास्ट ईयर मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था और विद इन 1 ईयर कम से कम 300+ सक्सेस स्टोरी है मेरे पास। सिर्फ अगर मैं इस करेंट December 23 अटेम्प्ट के बारे में बात करूं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स सिर्फ December 23 से अभी तक हो चुके हैं जिन्होंने कैंपस ऑफ कैंपस मिला के ऑफर लेटर सिक्योर किया। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारे अटेम्प्ट लग चुके हैं तो क्या हमारा कैंपस सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऑफ कैंपस में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊँ, जिनके 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लगे थे उन्हें भी ऑफ कैंपस में 6 लाख से लेकर 10 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है। इवन कैंपस में भी जिनके 3-4 अटेम्प्ट लगे थे उनको कैंपस में भी अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर मिला है। तो इसका मतलब अटेम्प्ट लगने से जॉब नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, अटेम्प्ट लगने से भी जॉब मिलेगी, सब्जेक्ट टू आपको अपने इंटरव्यू स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टक करते हैं इंटरव्यू के कन्वर्सेशन में, हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। देखो इंटरव्यू के डिफरेंट डिफरेंट राउंड होते हैं, एक टेक्निकल राउंड हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, HR राउंड हो गया, ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू होता है, ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है। हर एक इंटरव्यू का कन्वर्सेशन डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, फिनिशिंग लाइन डिफरेंट है, और आप सारे इंटरव्यू में सेम तरीके से आप प्रिपेयर होकर आप बैठते हो। क्या आपको लगता है कि आप सेम प्रिपरेशन से आप सारे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊँ, मैंने जो सैलरी निगोशिएशन के सेशंस लिए हैं, अभी रिसेंट में एक स्टूडेंट ने 2.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा ऑफर सिक्योर किया है। कोई भी कंपनी उसको 5.5 से ज़्यादा का ऑफर नहीं दे रही थी, बट उसने 7.5+ का ऑफर ऑफ कैंपस में सिक्योर किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे इंटरव्यू कन्वर्सेशन में जो मैंने उसे बताया सेम मेथड को फॉलो करके। छोटी सी कंपनी से छोटे से लोकेशन पे भी उसने 7.5 लाख का पैकेज ऑफर सिक्योर किया है। तो कैसे पॉसिबल है? आपको सारे स्ट्रेटजी, मेथड्स, टेक्निक, कन्वर्सेशन सीखने पड़ेंगे। इवन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिनके इंग्लिश इतने वीक थे कि वो सही से 2 लाइन नहीं बोल सकते थे जैसा मैं स्टार्टिंग में था, बट 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से, क्योंकि फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स दे ज्वाइन मी जस्ट आफ्टर कम्प्लीटिंग द एग्जाम, तो उनके पास ज़्यादा टाइम था क्योंकि एग्जाम के बाद 2 महीने रिजल्ट में था, फिर 2 महीने रिजल्ट आने में लगा, और फिर 2 महीने कैंपस में था, तो अप्रोक्स 4 महीने का टाइम मिला, 2 महीने रिजल्ट का, 2 महीने कैंपस का। तो उनको 4 महीने उन्होंने मेरे साथ काम किया, किसी ने 2 महीने भी मेरे साथ अपने ऊपर काम किया, और एट द एंड उन सबको ऑफर लेटर मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे में ट्रस्ट दिखाया, खुद पे ट्रस्ट दिखाया, प्लस जो चीज़ें मैंने उनको सिखाई उस पर उन्होंने ट्रस्ट दिखाया और उन्हें उनका रिजल्ट मिला। अब अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे जाते हैं, पोस्ट डालते हैं कि सर आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी प्लीज लेट मी नो, या फिर बहुत सारे पोस्ट मैसेजेस पोस्ट करते रहते, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर द सर्चिंग ए जॉब। अगर आपको जॉब चाहिए, सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम पे काम करना होगा। आपकी रिज्यूम आपकी ATS फ्रेंडली होनी चाहिए। अब वो ATS फ्रेंडली कैसे रिज्यूम बनाते हैं, क्या कीवर्ड्स आपको रिज्यूम में ऐड करना है, आपको सीखना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना पड़ेगा, लाइक सिर्फ इंटरव्यू पहुंचना ही सफिशिएंट नहीं, आपको इंटरव्यू क्रैक करने भी आना चाहिए। ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स है, आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स नहीं काम करते, वो सोचते हैं मैं CMA बन गया या मैं CMA कर रहा हूँ, मुझे GST अच्छे से आता है, मुझे अकाउंटिंग अच्छे से आता है, कंपनी मुझे हायर कर ले।
जस्ट एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप अपने आप से, क्या एक आप ही हो जिसको जीएसटी आती है? क्या आप ही हो जिसको एक अकाउंटिंग आता है? नहीं, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीएमए कोर्स कर रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को आपसे ज़्यादा अच्छे आते हो, बट एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को नहीं आती, कम्युनिकेशन, सही तरीके से बात करना, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना, ये चीज़ें सीखनी पड़ती है जो कि सीएमए कोर्स कैरिकुलम में आप कहीं नहीं सीखते हो। और यही सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ और वो एक अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छे अच्छे पैकेज ऑफर सिक्योर करते हैं। आप सोचो उस स्टूडेंट की फीलिंग जो फाइनेंशियली चैलेंजेस था, काफ़ी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, अभी उसको कैंपस प्लेसमेंट में 90 लाख का ऑफर मिला, या फिर किसी को 10 लाख का ही ऑफर मिला कैंपस में, बट जहाँ कुछ नहीं था आज उसके पास 10 लाख का ऑफर है, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस, उसके फैमिली की फीलिंग इमोशंस। मैंने क्या किया, मैंने बस उसको एक मेंटरशिप दी, सही गाइडेंस दिया, सही चीज़ें बताई सिखाई, क्वालिटी उसके अंदर थी, बस मैंने उसको पॉलिश किया और मेरे पॉलिश करने से उसको इतना बेटर आउटपुट मिला। तो मुझे यही लगता है यार कि वो सारे स्टूडेंट जो इस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। और इसलिए स्पेशली मैं एक ऑफ कैंपस के लिए अपना कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जिसमें मैं देखो हमेशा से टारगेट रहा है कि सीएमए कम्युनिटी को हेल्प करना, सर्व करना, और जब सीएमए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए तो फील होना चाहिए यार कोई सीएमए आज मेरे से मिला है या मेरे से बात किया, इंटरव्यूअर को एक टच आना चाहिए आपके साथ, वो टच कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही है। यही मेरा टारगेट है कि वो टच और फीलिंग आपके अंदर क्रिएट करना, जब आप किसी से मिलो तो आप उनको इम्प्रेस करो, ना कि उन्हें ऐसा फील हो यार कि सीएमए पता नहीं क्या है ये, ठीक है, इसे दो वर्ड से इसे नहीं बोल पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे एरियाज पे काम करो, एक परफेक्ट पर्सन बनो, और इंटरव्यू में आपको लाइक इंटरव्यूअर को सोचना पड़े कि मैं क्या क्वेश्चन इससे पूछूं, उस क्वालिटी को आपको जनरेट करना चाहिए। और कैसे जनरेट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए अपने कोर्स में क्रिएट की है, जिससे आप टॉप क्वालिटी पर्सन आप बन सकते हो और एक हाई क्वालिटी प्रोफाइल आपके लिए आपके पास होगी, एक अच्छी कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, आप MNCs में आप जा सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी वन सेकंड। सो आपको एक कोर्स पेज मेरी दिख रही होगी, रॉक योर ऑफ कैंपस इंटरव्यूज, और ये कोर्स स्पेशली आप देखो 50+ आवर्स का कोर्स कंटेंट मैंने आप सबके लिए डिजाइन किया है, 10+ ई-बुक्स है, 5+ असेसमेंट्स है। देखो असेसमेंट में क्या क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है असेसमेंट में, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से जॉब प्रोफाइल्स आपको सूटेबल करती है, इस पर आपको जाना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट्स हैं जो आपकी स्किल्स, आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करेगी। पर्सनली मैं आपका 2 मॉक इंटरव्यू लूँगा जिसमें मैं चेक करूँगा कि आपको कितना डीपली नॉलेज किस सब्जेक्ट का है और आप इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो और किस एरियाज पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर कवर किया गया। सबसे अच्छी बात है अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे है और लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको ऑफर मिला है। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब है ये कोर्स अगले 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स जितने दिन इस प्लेटफॉर्म पे है या जितने दिन तक ये प्लेटफॉर्म है, जितने दिन तक मैं हूँ, तब तक इस कोर्स का एक्सेस आपके पास, लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब। तो आई थिंक इससे बेस्ट ऑफर कुछ हो नहीं सकता। अगर कोर्स कंटेंट के ऊपर मैं बात करूं, आप देख सकते हो 30+ जो ट्रेंडिंग जॉब प्रोफाइल्स है सीएमएच के लिए मैंने वो कवर किया है, 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको इस कोर्स के अंदर कवर किए गए हैं। AI, देखो आप सबको पता है आने वाला टाइम फ्यूचर AI का है। AI टूल्स हैं, देखो सिर्फ ChatGPT नहीं है, बहुत सारे ऐसे AI टूल्स हैं जो स्पेशली डिजाइन किए गए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। वो सारे AI टूल्स मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स सिखाने वाला हूँ। आप टॉप क्वालिटी कंटेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। हर एक इंटरव्यू से पहले आपको पता होगा कि इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, और इसलिए मेरे स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग AI टूल्स और उस AI टूल से हम एग्जैक्ट चीज़ों को मैच करवा पा रहे हैं, इंटरव्यूअर के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हैं। ओके, इससे भी फ्यूको मॉड्यूल आप सबको पता है, कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाओ आपको SAP वर्ड जरूर मिल जाएगा। मैं अप्रॉक्स 4-5 आवर्स का कंटेंट आपको SAP पे देने वाला हूँ, प्लस मल्टीपल ई-बुक्स आपको मिलने वाले हैं SAP के ऊपर, जिससे आप इंटरव्यू में आप इजीली आप क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। ओके, 8 जून से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर है। अभी फिलहाल 8 जून इसकी लास्ट डेट है, लाइफ टाइम वैलिडिटी डिस्काउंटेड प्राइस जो इस कोर्स की है।
बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, 10+ मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ। ऑलरेडी 47 आवर्स का कोर्स कंटेंट डल चुका है, बट अभी मुझे लगता है 50 आवर्स का कोर्स कंटेंट और इसमें ऐड होने वाला है, तो 100+ आवर्स का कोर्स कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ कवर किया है, बिल्कुल सिंपल से लेके एडवांस लेवल तक, इंटरव्यू से रिलेटेड, लाइक किस तरीके से आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, क्या क्या इंडस्ट्री है, क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, क्या सैलरी पैकेज है, फ्यूचर क्या है जॉब प्रोफाइल की, वो सारी चीज़ें कवर की गई। सैलरी निगोशिएशन कैसे करना है, इंटरव्यू से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, इंटरव्यू के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है, हर एक माइनर चीज़ें मैंने कवर की। आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए, आपके ड्रेसअप के साथ आपके पास पोर्टफोलियो बैग किस कलर का होना चाहिए, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन डिटेल मैनर। ओके, ड्रेसिंग से लेके सारी चीज़ें कवर की गई है इसके अंदर। आप देख सकते हो कितने सारे वर्कबुक्स मैंने दिए हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए, ये सारे चेकलिस्ट है। वीडियो कंटेंट आप देख लो, इसके अलावा आप यहाँ पे आप देख सकते हो बुक बंडल्स है, ये 200 पेज की बुक्स हैं जो स्पेशली तरीके से डिजाइन की गई है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कोई भी पॉइंट कहीं से भी कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर कोई भी बुक का कंटेंट आपको लगता है कि नहीं सर आपने इस बुक से एग्जैक्ट कॉपी किया है, मैं आपको पूरे फीस रिफंड कर सकता हूँ, मेरे बुक टोटली यूनिक है। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू, डोंट वेट, गो एंड चेकआउट दिस कोर्स। और अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको प्राइजिंग अभी दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो 4000 अभी आपको प्राइजिंग दिख रही है, लेकिन जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको 1000 रुपीज का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपके लिए 3000 का कोर्स आपको मिल जाएगा, और 3000 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, इतने सारे कंटेंट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहोगे बिकॉज लाइफ टाइम वैलिडिटी है। दूसरा, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वीकली Q&A सेशंस आपके साथ लूँगा, मंथ वीक में एक सेशन होगा, इट मीन पूरे ईयर में 52 सेशंस हमारे होंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। और उस Q&A सेशन में सिर्फ Q&A नहीं होगा, जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स होंगे, स्ट्रेटजीज होंगे, मैं आपको सेशंस में डिस्कस करूँगा, और आपको सारे कम्युनिटी सेशंस के अंदर सारे वीडियो उसकी भी मिलती रहेगी। सो आई थिंक से बेस्ट ऑफर नहीं हो सकता, डिसीजन आपको लेना है। देखो जो भी बच्चे डिसीजन लिए, अगर मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाऊं, जिन बच्चों ने डिसीजन लिया आज वो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए हैं, आप देख सकते हो कुछ बच्चों की मैंने फोटो यहाँ पे ऐड की है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं आज टॉप एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर का इनका पैकेज है, और ऐसे सिर्फ यही स्टूडेंट्स नहीं है, 300+ स्टूडेंट्स हैं। आप मेरे पेज पे भी जाके आप उनके फीडबैक्स आप चेक कर सकते हो, 4.9 रेटिंग मुझे मिला है, अगर आप मेरे गूगल पेज पे जाके आप चेक करते हो, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, सर्च करना है करियर सक्सेस लॉन्च पैड, आपको यहाँ पे दिख जाएगा करियर सक्सेस लॉन्च पैड, 4.9 रेटिंग मुझे 111 स्टूडेंट्स ने दिया है, आपको यहाँ पे दिख सकता है, आपको यहाँ पे कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हो जाके। ओके, ये देख सकते हो 111। रेटिंग मिला है 111 स्टूडेंट से, और सबके कमेंट्स आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, मैं 1-to-1 सपोर्ट करता हूँ, जब तक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं उसके साथ रहता हूँ। अगर आपने मैसेज करना मुझे बंद कर दिया, आप अपने डाउट्स मेरे पास लेके नहीं आओगे, तो शायद मैं आपकी हेल्प एंड सपोर्ट ना कर पाऊँ, लेकिन जब तक जो स्टूडेंट्स मेरे पास आता है मैं उसको जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं उसको करता हूँ, जो सारी चीज़ें हैं मैं उसको बता समझा सकता हूँ, मैं उसको डेफिनेटली बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स ने मुझे इतना प्यार दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरे से जुड़ो, और आप अपने लाइफ में सारे अचीवमेंट्स लो, आप अपना नाम रोशन करो, अपने फैमिली का नाम रोशन करो। तो आपको जस्ट हमारे वेबसाइट पर जाना है, कोर्स में आपको इनरोल करना है, और अपनी जर्नी बदलनी है। अगर आप अपना फ्यूचर बदलोगे तो आप नेक्स्ट 7 जनरेशन, कम से कम अगले 7 जनरेशन तक की आप चीज़ें बदल सकते हो, अगर आपने अच्छी अपनी जर्नी की, अच्छे पैसे आपने अर्न किए। सो डोंट वेट, गो क्लिक ऑन बाय नाउ, इनरोल इन द कोर्स, एंड आई वांट टू सी यू सून इनसाइड माय कोर्स। ऑल द बेस्ट।